नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये भी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस है, इसको मैं केस स्टडी कहूँगा। ऐसे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सफ़र होते हैं इन चीज़ों से। मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लाखों रुपये इन्वेस्ट करने हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जब तक आपकी रिसर्च नहीं है तब तक ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती रहेंगी। तो रिसर्च हम कब करते हैं? जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मैं फिर बता दूं, फॉरेन जाने से पहले आपकी रिसर्च उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर आप 8-10 कंसल्टेंटों की वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि मैं अभी क्या प्रिकॉशंस लूं, ताकि जो इस स्टूडेंट के साथ हुआ है आपके बच्चे आपके साथ ना हो पाए। तो केस है, इस बच्चे ने MBBS के लिए यूरोप में जाना है, कंट्री का नाम है रोमानिया, शेंगन में। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये बच्चा आरडी स्विट्जरलैंड का सिटीजन है, स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट है और इंडिया का OCI कार्ड है, लेकिन इसने अपनी स्कूलिंग इंडिया से कंप्लीट की है। इससे रिलेटेड मैंने आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मेरे पास डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से पेरेंट्स अप्रोच करते हैं, बच्चे अप्रोच करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग इंडिया से कंप्लीट की होती है, लेकिन उनके पास यूरोपियन कंट्री का टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट है, PR है या सिटीजन्स हैं, तो उन्होंने अपना जो एडमिशन्स हैं यूरोप की ही कुछ कंट्रीज में लेना होता है, तो उनके लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को यूरोप में फ्री स्टडी भी मिल सकती है, अगर आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है। अगर आपके पास यूरोप की PR है तो जिस कंट्री की PR है उस कंट्री की भी स्टडी आप फ्री ले सकते हैं। अगर आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है, XYZ में एग्जाम्पल दे दूं, आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी इटली की है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के बाद आपने अपनी जो आगे की रेजिडेंसी फिनलैंड में कन्वर्ट करवा ली हुई है, ठीक है, आपके पास सिटीजन नहीं है, PR है, तो आपको उस बेस के ऊपर भी आपके बच्चों को फिनलैंड में फ्री स्टडी मिल सकती है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज है क्राउन इमिग्रेशन के पास, ऐसी इन नॉलेज को आप इनकैश कर सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आपकी कोई इस टाइप की क्वेरी है, आपकी इंटायर स्टडी इंडिया से ली हुई है, तो आप ऑलरेडी किसी भी फॉरेन कंट्री में हैं, वहां से किसी भी कंट्री का स्पेशली यूरोप का एडमिशन चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या है, ये बच्चा पिछले 1.5 से 2 साल की स्ट्रगल कर रहा है। इसने अपना जो केस है कंसल्टेंट को दिया था जर्मनी के लिए, और इवन इसका जो कंसल्टेंट है जर्मनी का ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी के अंदर है। तो केस कितना इंटरेस्टिंग है, बच्चे के पास मेडिकल का स्टूडेंट है, 80% मार्क्स हैं और 7.5 बैंड है, 2022 का कंप्लीट किया हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या है, जैसे जैसे कंसल्टेंट ने इंस्ट्रक्शंस देता रहा वो उस तरीके से करता रहा, और बच्चे ने B2 लेवल भी अपनी कंप्लीट की हुई है। तो B2 लेवल कंप्लीट करना, इट इज रियली वेरी वेरी चैलेंजिंग, इंस्टेड ऑफ 7.5 बैंड लेना, वो इसके लिए ईजी था। हमें मालूम है कि जर्मन लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट है, वो भी B2 लेवल तक करना। तो ऐसा है कि B2 भी कर लिया, लेकिन पिछले 2 साल से बेचारा इधर उधर ही भटक रहा है, और इसने 1.5 लाख रुपया कंसल्टेंट को भी दिया और जर्मन लैंग्वेज के ऊपर भी 1.5-2 लाख रुपया खर्च किया, और अपना B2 लेवल के एग्जाम देने के लिए भी आउटसाइड कोई कलकत्ता कोई मतलब ऐसी लोकेशन पर जाकर एग्जाम देकर आया है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इसने हमारी वीडियो देखी, मेरे पास आया, केस को एनालाइज किया, इसने कहा सर मेरे लिए क्या बेटर रहता है। तो ऐसे केसेस वाले बच्चे भी पैसे भरने के लिए भी तैयार है, बट कुड नॉट फाइंड ए गुड डेस्टिनेशन। जर्मनी के नाम पर बच्चे को रजिस्टर्ड किया गया कि हम जर्मनी में MBBS करवाएंगे। तो जर्मनी में अगर आपने MBBS करनी है तो मेरी स्पेसिफिक वीडियो है MBBS फ्री, MBBS इन जर्मनी, उन वीडियोज को जरूर वॉच करें, जिनके दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप उन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं तब ही जर्मनी में आप ट्राई कर पाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने वो सारी चीजों को फुलफिल कर लिया कि अभी मुझे 100% गारंटी से एडमिशन मिल जाएगा। जर्मनी में MBBS में एडमिशन लेना टफर देन नीट का एग्जाम ब्रेक करना है। तो अभी आप देखिए कि आपके साथ आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं वो सारी चीजों को फॉलो कर पाऊं। ये सारी चीजों को वो ही कंसल्टेंट बता सकता है जिसको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। तो उन्होंने अपने पैसे लिए, आनंद कर रहे हैं, और बच्चा बेचारा 80% लेकर उधर उधर घूम रहा है। तो अगर ये बच्चा मेरे पास भी आता जर्मनी की काउंसलिंग के लिए, तो मैंने इसकी प्रोफाइल देखने के बाद ये बताना था कि अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम में ही जाना है और आप कहते हैं कि MBBS में जाना है, तो सिर्फ 5 से 10% 20% चांसेस है
अगर ये चीजों को फुलफिल भी करते हो तो साथ में अगर जर्मनी ही आपकी लास्ट डेस्टिनेशन है तो आपको एमबीबीएस के अलावा भी कोई ऑप्शंस रखने पड़ेंगे, देन मैं जर्मनी का आपका 99% ड्रीम फुलफिल कर सकता हूं। और इसका जो मैं प्रोसेसिंग टाइम भी वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज का 1 से 1.5 साल लूंगा, क्योंकि देर इज ए नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, क्या थिंग्स हो सकती हैं, आपका एपीएस है, जर्मन लैंग्वेज आपने सीखी है, इवन आपको 13 साल की स्टडी करनी पड़ सकती है अगर आपने स्टूडेंट कुलीग से बेवर लेनी है, तो ऐसी सारी मैंने काउंसलिंग देनी थी। तो फिर मेरे पास आया, सर मैंने एमबीबीएस करनी है अभी जॉर्जिया रोमानिया से, तो रोमानिया की वीडियो देखने के बाद मेरे पास आया, केस देखा, मैंने कहा आपको वहां पर 99% मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने मुझसे क्वेश्चन किया जॉर्जिया के बारे में भी, तो जॉर्जिया को रोमानिया के साथ हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, दैट इज नॉट ए यूरोपियन या शेंगन कंट्री, जी शेंगन की कंट्री है। रोमानिया का जीपी लाइसेंस, जनरल पेटिशन का लाइसेंस इमीडिएटली इनकैशियबल है ऑल शेंगन कंट्रीज में। क्या जॉर्जिया वाला जो एमबीबीएस करने के बाद जर्मनी में इजिली प्रैक्टिस कर सकता है, स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क में कर सकता है, जो कि रोमानिया वाला कर सकता है? अभी इसने कहा कि मैंने 1.5 लाख रुपया वहां पर लैंग्वेज के ऊपर भी लगा दिया, तो वो 1.5 लाख रुपया भी हम इसका बचाएंगे, वो कैसे बचाएंगे? अभी इसने B2 तक अपनी जर्मन की हुई है, ठीक है, और इस बच्चे अगर अपनी एमबीबीएस यहां से कंप्लीट कर लेता है, कहां से, रोमानिया से करने के बाद इसको जीपी लाइसेंस मिल जाता है, तो ही कैन इजीली प्रैक्टिस इन जर्मन, ऑस्ट्रिया, इवन और भी बहुत सारी कंट्री है जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। मैं बेल्जियम की बात कर सकता हूं, मैं लग्जमबर्ग जैसी कंट्री की बात कर सकता हूं जिनकी, क्योंकि शेंगन के अंदर भी 5 ऐसी कंट्रीज हैं जर्मन एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। बस बच्चे को अपनी जो जर्मन लैंग्वेज है जस्ट C1 तक करनी पड़ेगी, तो B2 तो किया हुआ है, तो ये ऐसी ऐसी कंट्रीज में आप एमबीबीएस रोमानिया करने के बाद उन चीजों को इनकैश कर सकता है। इवन स्विट्जरलैंड में भी ये एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का ही हर्डल है वहां पर, क्योंकि स्विट्जरलैंड की भी 2-3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो अभी बच्चे से भी बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है, जो काउंसलिंग मैंने दी है। तो इवन अगर आपने एमबीबीएस या किसी भी स्टडी में शेंगन में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर लें, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, 29 शेंगन कंट्रीज ऑन अवर फिंगर्स, हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि हम आपके लिए कहां पर बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में कहां से पता चला? सर एक्चुअली मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी पिछले काफी टाइम से। कितने टाइम से देखी? तो पहले भी हुई थी लेकिन फॉलो करता आ रहा हूँ रोमानिया के बारे में पिछले 7 से 8 दिन। तो कैसे ट्रस्ट बन गया कि हम आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे? हाउ यू ट्रस्ट, वीडियोस देखने के बाद ही आपको कैसे ट्रस्ट लगा? क्योंकि जो भी कुछ आपने वीडियो में बताया, मैंने जब एक्चुअल में यूनिवर्सिटीज के होम पेजेस पे अबाउट्स में पढ़ा तो वो बातें 100% मैच कर रही थी। मुझे मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी होम पेजेस पे कुछ इंग्लिश में ज्यादा नहीं दिया हुआ था डिटेल में, तो मैंने आपको कांटेक्ट करा, तो आपने कॉल पे भी मुझे काफी कुछ क्लियर करा, ठीक है, और जो भी आपने वीडियो में बताया वो सच ही बताया था। आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं इंडिया में? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आपके पास अनदर कंट्री की नेशनलिटी है? हाँ जी। कौन सी कंट्री की? स्विट्जरलैंड। तो आपके पास इंडिया का क्या स्टेटस है अभी? ओसीआई कार्ड है। ओसीआई कार्ड है, देख लीजिए जी, स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट है, ओसीआई कार्ड है। आपने 12th कौन से साल में पास आउट की? 2022। कितने परसेंटेज है? 80%। कौन सा स्ट्रीम है? मेडिकल। बोर्ड कौन सा है? सीबीएसई। आईएलटीएस भी किया हुआ है? हाँ जी। कितने बैंड है? 7.5। तो ये देख लीजिए जी, ऐसे प्रोफाइल वाले बच्चे वो पैसा देने के लिए भी इंटरेस्टेड है, लेकिन गलत एजेंट्स बच्चों को उनकी डेस्टिनेशन पर ही नहीं पहुंचा रहे, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं देते। तो मुझसे लोग कहते हैं कि सर आप सीधे 5,000 रुपया मांगते हो काउंसलिंग का, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ झूठ नहीं है, करवाना है तो आई विल टेल कि डिपॉजिट है 5,000, आप मुझे फिजिकल नहीं भी मिलना चाहते तो हम जूम पे आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे, वो 5,000 रुपया भी आपका केस के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके लाखों रुपए बचाने हैं और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बचाना है। तो आपने अपना केस किस कंट्री के लिए प्रोसेस किया हुआ था अनदर कंसल्टेंट से? जर्मनी। एक कौन से प्रोग्राम के लिए?
MBBS और BDS के लिए। MBBS और BDS के लिए। तो आपको कितने एक टाइम हो चुके हैं उसके साथ जुड़े हुए? मुझे 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने। तो आपने अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट उस कंसल्टेंट को पैसे दे दिए या कितने पैसे अभी तक लगा दिए हुए हैं इस प्रोसेस के दौरान? इस प्रोसेस के दौरान मैंने कम से कम 3.75 लाख लगा चुके। 3.75 लाख। लेकिन फिर गुमराह मेरे पास आ गया। तो आपको 3.75 लाख लग गए, आप मेरे पास आए हैं इसके लिए, रोमानिया के लिए। तो मेरी फीस एडवांस में कितनी है? 15,000। बाकी मेरी फीस कब मैंने फीस लेनी है? वो आफ्टर द वीजा। हाँ देखो, फिर मैंने बता दिया दिस इज वेरी टेक्निकल चीज, ये आपका अपना है 15,000 में ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी MBBS का, यूरोप में एडमिशन का, और हमारी मैक्सिमम फीस वीजा ग्रांट होने के बाद है। तो इवन ये बच्चा वहां का लोकल सिटीजन है, इसके लिए फीस डिफरेंट है, जो जहां से जाता है उनके लिए डिफरेंट है, जो मैंने वीजा के बाद लेनी है। तो एनी हो, आपने कोई लैंग्वेज भी सीखी हुई इंडिया से? बिल्कुल। कौन से लेवल तक? मैंने सीखी C1 तक है, लेकिन C1 का पेपर नहीं अभी हुआ इंडिया में, तो मैंने B2 क्लियर कंप्लीट हुआ। कहां से, कौन से? क्योंकि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन लैंग्वेज को। मैंने टेल्क, टेल्क देखी, टेल्क से B2 लेकर बेचारा इधर उधर घूम रहा है। तो दिस इज अ शेम फॉर अस। मैं कहता हूं उन कंसल्टेंटों को शेम आनी चाहिए जो ऐसे बच्चों को मतलब पैसे भर रहे हैं, B2 भी कर ले आपके कहने का, स्टिल बेचारा फिर मेरे पास पैसे खर्चने के लिए आ गया। तो आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर आप स्विट्जरलैंड में रहे होंगे? Yes. कौन सी? जर्मन। जर्मन है। तो ऑस्ट्रिया की? जर्मन। जर्मन। तो ये देखिए कि ये भी मैंने इसको बता दिया कि आप इसको इनकैश कर सकते हैं, लेकिन C1 आपको सीखनी पड़ेगी। इफ यू विल लर्न ए C1 लैंग्वेज, वो कब? जब आप MBBS वहां की कंप्लीट कर लेते हैं और GP का लाइसेंस, जनरल प्रैक्टिशनर का, जिसको डॉक्टर लाइसेंस, उसके बाद डायरेक्टली ही विल प्रैक्टिस आइदर इन स्विट्जरलैंड, आइदर इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इवन लग्जमबर्ग, कुछ कंट्रीज की जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन, वहां पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन C1 करने के बाद विदाउट गिविंग एनी लाइसेंसिंग एग्जाम। तो ऐसे इनकैशमेंट कर सकते हैं। तो आप हमारे पास आए, हमसे काउंसलिंग भी की है, सारा कुछ जो भी मैंने आपको बताया, तो उसको एनालाइज करने के बाद क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है हमारी नॉलेज का, जहाँ कुछ हमारे फीडबैक का? काफी नॉलेज गेन हुई है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि वीजा प्रोसेसिंग अलग होगी, प्लस मेरे यूनिवर्सिटीज में चांसेस ज्यादा है मेरी एक्सपेक्टेंसी से, प्लस प्राइस मुझे पता लग गया कि कितना है, कितना खर्चा। तो इवन मैंने आपको, मैं ये भी कहता हूँ, जैसे मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ रोमानिया का, यू विल आल्सो टेक द कंसल्टेंसी ऑफ अनदर कंसल्टेंट आल्सो अबाउट द रोमानिया MBBS, इवन टू विल चेक द फीसिस का, वहां का फीसिस कितनी ले रहे हैं अनदर कंसल्टेंट, और वो आपको बता ही नहीं पाएंगे कि अगर आपके पास स्विट्जरलैंड पासपोर्ट है तो आपके लिए क्या प्रोविजन रहेगा। वी आर वेरी टेक्निकल, और ये हमारा जो 16 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो फिर मैंने बता दिया एटलीस्ट आप रिसर्च करें, ये अगर रिसर्च नहीं करते तो आपके साथ भी ऐसी हैपनिंग हो सकती है। पढ़ा लिखा है लेकिन उसको इन चीजों के बारे में बेचारे को नहीं पता था, जैसे जैसे कोई कहता रहा जरा वैसा करता रहा, लेकिन अभी हम इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जिनकी प्रोफाइलें अच्छी होती हैं, उसके लिए हमें कंप्लीट, मुझे और मेरी कंप्लीट टीम को टेंशन रहती है कि इसको हमने रिजल्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल प्रोवाइड करना है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू MBBS और BDS और एनी मेडिकल प्रोग्राम, क्योंकि मेरे पास मेडिकल के बाद जिन बच्चों ने 12th मेडिकल स्ट्रीम से की है उसके बाद 20 ऐसे ऑप्शंस हैं जो मेडिकल रिलेटेड है जिनको हम यूरोप में प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।